9 o'clock आई जस्ट वोक अप एंड बाहर देखो तो ऐसा लग रहा है कि इट्स जस्ट 7 o'clock. इस वजह से मैं लेटी हुई थी, मेरी नींद खुल गई थी, बट आई वॉज जस्ट इन द बेड कि लग रहा था कि चलो यार थोड़ी देर और सुनी थी, थोड़ी देर और सुनी थी. बिकॉज दो तीन दिन से जब हम होटल में थे विद ऑल दीज मूवमेंट, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था, हम रात को लेट सो रहे थे और पूरी ना बॉडी की बैंड बज गई थी. तो मैंने सोचा आज आई विल स्लीप विदाउट अलार्म, जब मेरा मन करेगा तब उठूंगी. आर हाउस इज स्टिल अ मेस ऑब्वियसली. आज हमारा कुछ कुछ सामान आने वाला है, विल गेट आर कबर्ड, बेड ऑलरेडी आ चुका है उसको असेंबल करना है, फिर हमें अलमीरा को असेंबल करना है, फिर आज हमारा वैक्यूम क्लीनर आ रहा है तो एटलीस्ट घर की सफाई भी शुरू हो जाएगी. बट उससे पहले गुड मॉर्निंग. जतिन दो भाई साहब आज पहले ही उठ करके काम शुरू कर दिया, सुबह सुबह उठ करके वॉशिंग मशीन की मैनुअल पूरी रीड हो रही थी, फिर ड्रायर की पूरी मैनुअल रीड हो रही थी. ड्रायर ने की नहीं करी अभी तक. ओ नो एफिशिएंसी इन योर वर्क, आई नीड प्रॉम्प्ट एक्शंस एंड एफिशिएंसी. ओके, कल मैंने किचन असेंबल कर लिया एंड दिस इज आवर पैंट्री राइट नाउ. यहाँ पे सारे हमारे इंडियन इंग्रेडिएंट्स भरे हुए हैं एंड टुडे आई एम गोना मेक पोहा फॉर ब्रेकफास्ट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. तो जब तक किचन नहा के आती है हम पोहे की तैयारी कर लेते हैं. जतिन, लेट्स सी कैसी लगती है उसको. आई होप पसंद आ जाए. अगर इसको पसंद आ गई ना तब तो भाई साहब कोल्ड कॉफी के लिए तो फिर सिर्फ ओट मिल्क ही आया करेगा. और आज मैं बना रही हूँ पोहा और पोहे के साथ मस्त कॉम्बिनेशन लगता है गर्मा गर्म वो जो दूध वाली चाय होती है. बट मैंने दूध पीना तो मैंने छोड़ दिया है तो अब मुझे ब्लैक कॉफी से ही काम चलाना पड़ेगा. कोई नहीं, गौरव तनेजा की भाषा में सह लेंगे थोड़ा. ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अब मैं जाने वाली हूँ बाहर कुछ सामान लेने. हुआ क्या कि हम सारे क्लीनिंग वगैरह का सामान तो ले आए और हमारे पास एक बर्तन धोने का ब्रश भी था, बट वो गलती से हमारा रह गया हमारे होटल रूम में. तो मुझे स्पेशली वो तो मुझे ख़रीदना ही है, सो आई एम गोना गो आउट. इतना सही लग रहा है ना, एक तो इतने टाइम के बाद बालकनी के मज़े लेने को मिल रहे हैं. वैसे ना कल यहाँ पे बहुत अमेजिंग धूप निकली थी, पूरे मतलब हमारे हॉल में धूप ही धूप. हमने जब एंटर किया घर पे तो हमने देखा यार धूप पूरे, हम इतने खुश हो गए. बेडरूम में धूप आ रही थी, पूरे हॉल किचन हर जगह धूप आ रही थी. बट आज वेदर फोरकास्ट आज का वेदर फोरकास्ट है दैट इट विल स्नो. इट्स क्वाइट कोल्ड हियर. मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा. सो ऐसा दिखता है हमारे बालकनी के बाहर. ट्रेन स्टेशन हमारे घर से जस्ट पास में ही है, वो यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके जाओ. सो देयर इज़ अ ट्रेन स्टेशन और जो शॉप्स वगैरह हैं मैं यहाँ से जाऊँगी, देन वहाँ जो रोड जा रही है वहाँ से शॉप्स वगैरह भी आ जाएंगी. सो इट्स नॉट दैट फार. बस हाँ मैं वेट कर रही हूँ कि कभी सारे के सारे पेड़ भर जाएँ एंड देन कैसा लगेगा यहाँ का व्यू. ओपन द डोर प्लीज. शूज कहाँ रखे हमने? ये अच्छा हाँ. ऑल राइट, सॉक्स भी है उसके अंदर. सॉक्स देखना पड़ेगा मुझे. ये क्या है? रुक, ये मिडल सेक्शन है. मिडल सेक्शन मतलब मिरर होना चाहिए इसमें. हाँ यार, अब पता नहीं अंदर की साइड है कहाँ की साइड है पर मिरर दिख नहीं रहा मुझे. आई होप इसके साथ एलन कीज आ गई हूँ. मुझे लगता तो नहीं है, इन्होंने सिर्फ स्क्रूज वगैरह ही दिए होंगे शायद कि तुम अपने गियर से फिट करो फिर, है ना. बचपन में जब हमने अपना घर लिया था तब कारपेंटर हमने लगवाया था घर के फर्नीचर बनाने के लिए, तो बिल्कुल वैसी हालत लग रही है. डिफरेंस बस ये है कि इस बार कोई कारपेंटर नहीं है, कारपेंटर है जतिन महाशय एंड आई एम द सू कारपेंटर हेल्पर, जस्ट द हेल्पर एंड ट्रस्ट मी आई एम हेल्पिंग. Helping I. अरे एलन कीज लेके आते हैं चलके. जब डिलीवरी के लिए वो हाइट मांगने को कह रहा था, हाइट लिखो.
नहीं हाइट नहीं एज लिखो हाँ एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ मुझे समझ नहीं आ रहा वो कह रहा है यूं यूं कर रहा है हम डम शराट्स खेल रहे हैं तो मैंने कहा हाइट हाइट कह रहा उसको उसको भी समझ नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रही वो बोल रहा है तो कहता या मैंने हाइट डाल दी फिर वो अपना एग्जाम्पल दे रहा है मेरे को समझ नहीं आया फिर कह रहा अच्छा चलो घर चलते हैं तेरे वो मैंने कहा चलो फिर हम घर आए कहता है राइस पास ऑफिस पास बोलते हैं इसको ऑफिशियल पासपोर्ट को अच्छा पासपोर्ट पासपोर्ट हाँ मैं तो उसे मैंने जेब से निकाला जैसे मैंने जेब से निकाला उसने कहा क्योंकि घर घर आने की जरूरत ही नहीं थी फिर उसने दिखाया डेट ऑफ बर्थ मैंने कहा ओह लिख मैं बाहर से एक बहुत जरूरी चीज लेके आई हूँ ये फिसल गई मैं यहाँ का पानी इतना ज्यादा हार्ड है कि फाइनली आज मैं अपने लिए हेयर ऑयल बनाने वाली हूँ यूजिंग दिस वॉलनट ऑयल तो मैं अनियन हेयर ऑयल बनाने वाली हूँ बिकॉज पुणे में जब मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था तो आई मेड अनियन हेयर ऑयल घर पर ही मैं बनाती हूँ मुझे बाहर के प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भरोसा नहीं होता है उसमें थोड़ा ऑयल होगा उसमें थोड़ा सा अनियन एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं इट डजंट हेल्प एट ऑल तो घर पर ही बनाओ तो सबसे पहले आप डालो एक बर्तन में अपना कोई सा भी हेयर ऑयल जो आप यूज़ करते हो बीट कोकोनट ऑयल ऑलिव ऑयल एनीथिंग मैंने 100 ml ऑयल लिया था उसमें आई एम एडिंग हाफ अनियन आप और भी डाल सकते हो आई मीन ऐसा कोई मेजरमेंट वो है नहीं मेरा जितना मन करता है उतना मैं डाल देती हूँ और उसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा करी पत्ता बहुत स्मूथ कर देता है बालों को इसलिए मैं डाल रही हूँ इसको सर में लगाने के बाद ना अनियन की स्मेल बहुत आती है मतलब गंदी वाली अनियन की स्मेल नहीं है ना तड़के वाली आपको खुशबू आती रहेगी तो खुशबू वैसे तो अच्छी लगती है बट जब वो पूरे टाइम आपके सर पे लगा रहता है ना तो ऐसा लगता है वो खुशबू का ना ओवरडोज हो जाता है टाटा सो दिस इज हाउ माई ऑयल लुक्स और अब मैं गैस कर दूंगी बंद एंड इट्स डन वैसे पता है कि आज इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना इतना एक्साइटिंग लग रहा है मतलब हमारा ना दिमाग भी चल रहा है अच्छा ये ना हम बाथरूम में ऐसे सजाएंगे अच्छा हम ना सोफा इस तरफ रखेंगे या उस तरफ रखेंगे हमारे यहाँ पूरी डिस्कशन इसी के अराउंड रहती है फिर जब हम नीचे जाएंगे पार्क में हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे अच्छा यहाँ पर ये भी है अच्छा हम ये भी कर सकते हैं अच्छा हम बालकनी में ये भी रख सकते हैं सो इट्स काइंड ऑफ वेरी एक्साइटिंग मतलब अब बहुत ही अच्छा लग रहा है फिलहाल अब हम दोनों पूरी तरीके से पैक होकर के जा रहे हैं नीचे वॉक करने सो आर यू रेडी बडी चलो यहाँ पता है घर की जो ये विंडोज एंड डोर्स मतलब की इंसुलेशन इतनी बढ़िया है कि आपको घर के अंदर ना हीटर वगैरह कुछ जलाने की ज़रूरत नहीं है पूरी पैक्ड है एकदम अच्छे से सील्ड है कि बाहर से ठंड बिल्कुल अंदर नहीं आती लाइक आई वॉज जस्ट वेयरिंग माई टॉप एंड आई वॉज नॉट फीलिंग कोल्ड बट उसका एक नुकसान ये है कि ना फिर जो घर के अंदर की जो स्मेल होती है ना जैसे मैंने अभी तेल बनाया तो तेल की वो प्याज और जो तड़के वाली जो स्मेल थी अब वो किचन में ना पूरी तरह से मतलब पूरे घर में से भर गई है और हमने विंडोज़ भी खोला तो फिलहाल वो जा नहीं रही है स्मेल तो हाँ ये एक थोड़ा सा नुकसान है ना यही हमारे ना होटल में भी होता था कि हमने होटल में मे भी कुछ बनाया और फिर हम निकल लेते थे बाहर वॉक करने के लिए जब हम घर पर आते थे पूरे घर में खाने की खुशबू पूरे टाइम एक और चीज़ बढ़िया हो गई फाइनली हमारा इंटरनेट कनेक्शन अब शायद बहुत जल्दी लग जाएगा यहाँ पे हो रहा है जुगाड़ वाला काम इट्स सो फ्रीकिंग कोल्ड ना टुडे बहुत ज़्यादा ठंड है आज तो आई थिंक हम जब से हैं यहाँ पे आई थिंक सबसे ज़्यादा ठंड हमें आज लग रही है क्या हुई तो फिलहाल जतिन मेरे को लेके जा रहा है इसने कोई क्रिसमस ट्री देखा है यहाँ पे बहुत बढ़िया सा तो उसने बोला वो मुझे भी दिखाना चाहता है देखते हैं क्या देखा है उसने खुश निकला ना तो बताऊंगी मैं तुम्हें हाँ यार ये इसमें लाइटिंग बहुत ही बहुत अच्छे से लगाई हुई ना लाइटिंग क्रिसमस ट्री भी सबसे सही अभी तक का दिखा है मुझे पता है लग रहा बहुत सारे मिक्स हैं हाँ तीन चार से लग रहे हैं लगे हुए छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे मुझे पता है ग्रीन कलर के जो क्रिसमस ट्री होते हैं ना मतलब मैंने देखा है लोगों को ना ऐसे वो स्नो इफेक्ट वाले क्रिसमस ट्री लगाते हैं बट समहाउ मेरे को ग्रीन वाले जो क्रिसमस ट्रीज होते हैं ना अच्छा। वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं देख के तुम्हें वाइट वाले अच्छा लगा ये वाला तो बोल हाँ ये अच्छा है वैसे तो
रात को मैंने व्लॉग एंड नहीं किया बिकॉज कल जब हम सामान वामान लेकर के व्हेन वी केम बैक होम मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं व्लॉग को एंड करूँ। मैं बस आई, चेंज वेंज करके मैं बेड पे लेट गई, वहीं पे लेटे लेटे मैंने खाना भी खा लिया और मैं वहीं पे सो भी गया। आई वाज सो टायर्ड। बस आज का ये जो व्लॉग है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज संडे है तो बाहर जाने का तो कोई स्कोप है नहीं, तो कल हम जतिन को जो एक टूल चाहिए था सारा फर्नीचर असेंबल करने के लिए वो कल हम लेकर के आ गए। तो आज संडे है, कहीं बाहर नहीं जाना, तो जतिन इज़ गोइंग टू असेंबल आर बेड एंड आर कबर्ड ऑल्सो। तो ये दोनों चीज़ें होने के बाद ना घर एटलीस्ट थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि चलो ऑर्गेनाइज हो रहा है। आई एम स्टिल फीलिंग सो टायर्ड यार। एनीवे, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है देन यू नो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लाइक द व्लॉग एंड शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन इट येट।